वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर ढूंढ लिया है, और ये महासागर अगर आपको लगता है कि अपने पृथ्वी पर है और हम अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये महासागर एक ऐसे ग्रह पे मिला है जो हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर है। जी हाँ, 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा प्लैनेट मिला है जहां पर सब तरफ पानी ही पानी है। लेकिन क्या इस पानी में जीवन है, और ये पृथ्वी से कैसे अलग है, और क्यों वैज्ञानिक इस खोज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। दोस्तों, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा महासागर है वो एक एक्सोप्लैनेट पर मिला। वो एक्सोप्लैनेट जो अपने पृथ्वी से 70% ज्यादा बड़ा है, उसका आकार हमारी पृथ्वी से 70% ज्यादा है, यानी हमारे पृथ्वी से काफी बड़ा, लगभग दोगुना। लेकिन इसका अगर द्रव्यमान की बात करें, इसके मास की बात करें, तो यह पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। आकार भले 70% ज्यादा हो, लेकिन अगर इसके मास की बात करें तो वो 5 गुना ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ग्रह पानी की मोटी परत से ढका हुआ है। ये पानी ही इसके मास की असली वजह है, जिसे वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। आपको यही जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर इस एक्सोप्लैनेट की बात करें तो इसकी खोज जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने की है, जिसका नेतृत्व यूनिवर्सिटी डी मॉन्ट्रियल के PhD छात्र और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट के सदस्य चार्ल्स कैडियक्स कर रहे थे। और इसको ढूंढने में नासा का जो एक स्पेस टेलीस्कोप है TESS, TESS, वो उसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ये स्पेस टेलीस्कोप हमारे आसपास, यानी जो काफी नजदीक के जो प्लैनेटरी सिस्टम है, उसकी तलाश में पूरे आकाश का सर्वे करता रहता है। TESS के एक सिग्नल में हर 11 दिनों में चमक थोड़ी थोड़ी कम होती दिखाई दी, जिससे जो एस्ट्रोनॉट्स थे, जो खगोलविद थे, उन्होंने पृथ्वी से करीब 70% बड़े पानी से भरे इस ग्रह के अस्तित्व को खोजा। ये पूरा पानी से ढका हुआ ग्रह है, तो क्या यहां जीवन है? क्या यहां जीवन संभव हो पाया है? इस सब की तलाश में जुटे हुए हैं वैज्ञानिक, क्योंकि जो शुरुआती जो वहां से आंकड़े मिल रहे हैं उससे ये ही समझ में आ रहा है कि ये जो प्लैनेट है वो गोल्डी लॉक्स जोन में पड़ता है। जी हाँ, ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये गोल्डी लॉक्स जोन ऐसा जोन होता है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है कि उस पर जीवन संभव हो पाए, और ये इतना भी ज्यादा कम नहीं होता कि वहां पर सब कुछ फ्रीजिंग जोन में चला जाए। तो ये गोल्डी लॉक्स जोन में है, ये हैबिटेट जोन में नहीं है, जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन जो हैबिटेट जोन के लिए जरूरी चीजें होनी चाहिए, वो भी एक रहस्य है कि क्या जो इंसानों के लिए जरूरी है, जो पेड़ पौधे के लिए जरूरी है, वैसा ही वातावरण हो तो वहां जीवन संभव हो पाएगा किसी ग्रह पे? इस पे बहुत ही बहस का ये विषय है। वैज्ञानिकों की माने तो ये अपने तारे से इतनी दूर है कि यहां पर जीवन का प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर जो अभी तक के हालात हैं, जो अभी तक की स्टडी बता रही है, वो यही है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को TOI-1452b नाम दिया है। ये एक्सोप्लैनेट ड्रेको तारामंडल में स्थित बाइनरी सिस्टम में 2 सितारों में से एक की परिक्रमा करता है। अब बात करते हैं उस तारे की जिसके आसपास, इसके जिसके चारों तरफ ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगा रहा है। तो बताऊं आपको मैं कि इस एक्सोप्लैनेट का जो होस्ट स्टार है TOI-1452, वो हमारे सूर्य के तुलना में बहुत छोटा है।
जी हाँ, और बाइनरी सिस्टम में एक दूसरे तारे के समान है। दोनों सितारे 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढा है, जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है, वो ये बता रहे हैं कि ये जो TOI 1452 एक्सोप्लैनेट है, वो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। ये हमारी पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह हो सकता है, लेकिन अगर इसके आकार की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें और इसके घनत्व की बात करें, तो ये हमारी दुनिया से पूरी तरह अलग है। पृथ्वी एक बेहद सूखा ग्रह है। भले ही इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन उसका जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जिस एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से पानी से ढका हुआ है, फिर भी वो हमारे ग्रह से अलग है। तो जो गोल्डी लॉक्स का ये ग्रह है, इस पे इतना पानी है, इतना अथाह पानी है, जिसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गोल्डी लॉक्स जोन में ये एक्सोप्लैनेट है, तो आखिर इस पे पानी की मौजूदगी कैसे है, और अगर पानी की मौजूदगी है तो जीवन क्यों नहीं संभव है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने तारे से काफी दूर है, इसलिए यहां पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन चूंकि ये गोल्डी लॉक्स जोन में है, इसलिए यहाँ पे ना बहुत ठंडा होता है, ना बहुत गर्म होता है, जिसके कारण ये जो पानी है, जो लिक्विड वाटर है, वो अपने लिक्विड स्टेट में रह पा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि दरअसल ये एक्सोप्लैनेट है क्या, और यहाँ पर किस तरीके से ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर मिला है। अब अगर इसकी तुलना पृथ्वी से की जाए, तो आपको मैं बताऊं कि जो ये मिला है, जो ये एक्सोप्लैनेट है, वहां पे जो उसका मास है, वो क्यों पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो वो एक्सोप्लैनेट है, उसका जो पानी का भार है, वो पूरे एक्सोप्लैनेट के मास का 30% है। यानी उसका जो पानी है, वो अपने प्लैनेट का 30% मास कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर पृथ्वी की बात करें, जहां पर 70% पानी है, आपको पता ही है कि जो पृथ्वी हमारी है, वो 70% यहां पर केवल पानी है, महासागर है, झील है, झरने हैं, तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद अगर यहां के पानी के मास की बात करें, तो ये पृथ्वी का केवल 1% है, 1%। और वो जो एक्सोप्लैनेट है, वहां पर जो पानी का जो मास है, वो 30% है अपने ग्रह का। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा महासागर है, जो उसने पूरे एक्सोप्लैनेट को ढका हुआ है। और इस पानी के कारण इसे कहा जा रहा है कि इतने बड़े, चूंकि ये एक्सोप्लैनेट भी 70% ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से, और पूरी तरीके से पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर है। अब वैज्ञानिक इस खोज के बाद, अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस खोज में अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की भी मदद ली जाएगी, और उससे इस जो एक्सोप्लैनेट है, उसको बहुत करीब से देखा जाएगा और उसकी बारीकियों को टटोला जाएगा कि आखिर वहां पर इस तरह का अगर पानी है, तो वहां जीवन संभव क्यों नहीं है, और इसकी बारीकी क्या है, क्या वो चट्टानी परतें हैं जिस तरीके से अभी अंदाजा लगा रहे हैं वैज्ञानिक, और क्या वहां पर भविष्य में कभी पृथ्वी के जैसा जीवन संभव हो पाएगा। तो इन तमाम चीजों पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।